नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग का हम एक और क्वेश्चन नंबर 3 है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर पेपर में आ जाता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इसका क्या करूं। क्या खास है इसमें, वो ये है, अभी तक आपने क्वेश्चंस में देखा होगा कि जैसे एक आपको नॉर्मल वेस्टेज या नॉर्मल लॉस दिया जाता है, एक 5% 10% लाइक दैट। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दो दो लॉसेस दिए गए हैं इस तरह से। अब आपको ये नहीं पता कि किसकी क्या ट्रीटमेंट है, तो ये इसके अंदर खास चीज है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे मैं इसको ट्रीट करता हूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो 1000 टन्स एट द रेट ऑफ 125 पर टन, 1000 टन माल जो रॉ मटेरियल है वो इंट्रोड्यूस किया और उसका रेट है 125 रुपए पर टन। इनिशियली इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस, उसको प्रोसेस में लगाया, फिर वेजेस के 28,000 है, फैक्ट्री ओवरहेड्स 8,000 है, नॉर्मल वेस्टेज है 5%, फिर आउटपुट है 830 टन और फिर नॉर्मल स्क्रैप है 10%। अब देखिए दो दो वेस्टेज आ गई है, दो दो स्क्रैप्स आ गए, एक है नॉर्मल वेस्ट 5%, एक है नॉर्मल स्क्रैप 10%। अब इसमें से नॉर्मल लॉस कौन सा है जो अभी तक हम ट्रीटमेंट करते थे कि उसका उसको हमने कर दिया इनिशियल इंट्रोडक्शन का 5% या 10% जो भी है, फिर उसको हमने बेच दिया कबाड़ी के रेट पे, तो वो इसका होना है या फिर इसका होना है, ये यहां पर सवाल बनता है। स्क्रैप रियलाइज 80 पर टन, 80 रुपए पर टन के हिसाब से कबाड़ी को बेच दिया। बनाइए प्रोसेस अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ये दोनों आपने बनाने। तो क्वेश्चन देखने में छोटा लगता है लेकिन जब करते हैं तो उसके अंदर ट्रिकी पॉइंट है जिसकी वजह से इस क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ जाती है। आइए करते हैं क्वेश्चन को। तो प्रोसेस अकाउंट में बनाता हूं सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट्स। यहां पर हम रखेंगे अपना इनपुट और एक्सपेंसेस। 1000 टन रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है, 125 रुपए इसका रेट है, इसलिए हो गया 125,000। फिर आपके वेजेस है 28,000 के और आपका ओवरहेड है 8,000 का, तो ये एक्सपेंसेस वाला पार्ट भी पूरा हो गया। अब यहां पर आते हैं, अगर आप शुरू करेंगे तो वो कौन सी चीज है जो एक्चुअल में कहलाएगी स्क्रैप और दूसरी चीज कहलाएगी वेस्टेज। पहले आप इन दोनों का डिफरेंस समझिए। स्क्रैप का मतलब होता है कबाड़ा, स्क्रैप का मतलब ही होता है कबाड़ा, यानी आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आप आपके मेन बिजनेस के काम की नहीं है, अब आपको वो सेकेंडरी रेट पर बेचनी पड़ेगी, अब आपको वो कबाड़ी को बेचनी पड़ेगी, जिसको आप कह सकते हैं कि ठीक है जो दाम मिल जाए जो रेट मिल जाए वो, उस तरीके से कबाड़ी को बेचना क्या होता है आप अच्छी तरह समझते हैं, तो उसको बोलते हैं स्क्रैप। और वेस्टेज का क्या मतलब होता है, बेकार ही हो गया, अब वो किसी काम का ही नहीं है, समझ रहे हैं, तो जनरली वो चीज कबाड़ी को नहीं बिकती। अब आप क्या करेंगे, आप अपना जो कबाड़ा होता है, जैसे वेस्टेज होती है आपके घर का कूड़ा होता है जो कूड़े वाला लेके जाता है, उस कूड़े को आप बेचिए अपने कबाड़ी को, तो क्या वो खरीदेगा, नहीं, दो बातें और सुना के जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है स्क्रैप और वेस्टेज में। तो स्क्रैप बिकता है आपके कबाड़ी को और वेस्टेज नहीं बिकता है। तो देखिए, और ये इसमें से कौन सा वाला बिकेगा इस पर भी आपको वो बताएगा जो रेट होगा बिकने वाला। देखिए बिकने वाला रेट ये है ना स्क्रैप रियलाइज्ड, और इसके अंदर वर्ड क्या लिखा है, वर्ड लिखा है स्क्रैप। अब आप इन दोनों में से ढूंढिए स्क्रैप कौन है, स्क्रैप है ये, इसका मतलब ये इसका रेट है, यानी कि ये है हमारा नॉर्मल लॉस, नॉर्मल स्क्रैप 10%, तो ये दोनों साथ में रहेंगे, 10% होगा और वो 80 रुपए पर बिकेगा। बहुत सिंपली मैंने आपको समझाया है, इसलिए नॉर्मल स्क्रैप हो गया 10%, 1000 का 10% हो गया 100 और उसे बेच देंगे 80 रुपए पर टन के हिसाब से, हो जाएगा 8000। फिर ये जो दूसरे वाला है इसका क्या होगा, ये है नॉर्मल वेस्टेज, इसका भी हम कर देंगे 1000 का ही 5%, 1000 का 5% कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 50, लेकिन ये बिकेगा नहीं, इसका कोई रेट आपको अमाउंट पैसा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। फिर इसके बाद आपको आउटपुट दिया हुआ है, ये रहा 830 टन, तो ये आपने लिख दिया ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 830, ये आ गया।
अब ये तीनों अमाउंट हमारे पास मिसिंग है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स। एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है और इफेक्टिव भी हो सकता है। अगर इधर आया बैलेंस तो लॉस कहेंगे, इधर आया बैलेंस तो हम कहेंगे इफेक्टिव। तो अब देखें तो यहां पर है 1000 यूनिट्स और यहां पर है 980 यूनिट्स। आगे टोटल कर लीजिए तो ये 980 यूनिट्स आपके बनेंगे। यहां 20 यूनिट कम पड़ रहे हैं इसलिए ये हो गया एबनॉर्मल लॉस, इसलिए 20 आ गया। अब इस 20 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें निकालनी होगी कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट, अब देखिए आदत होती है यूनिट यूनिट बोलने की और लिखने की। अब इस क्वेश्चन में चल रहा है टन, तो इसमें जो कुछ भी चलेगा वो सब कुछ जो है आपके वो टन के हिसाब से ही चलेगा, तो आप इसको टन कर लीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर एक्सपेंस का टोटल अमाउंट का टोटल माइनस इधर के लॉस वाला अमाउंट, कुछ नया नहीं है। फिर नीचे यूनिट्स का टोटल और यहां पर ये दोनों यूनिट्स जितने भी लॉस हैं, जितने भी लॉस हैं उनका ऊपर अमाउंट आता है और जितने भी लॉस हैं उनका नीचे यूनिट्स आता है, तो ये दोनों के दोनों ही जुड़ेंगे। तो ये 100 प्लस 50 इसको करके मिलता है आपको 180 रुपए पर टन आपकी कॉस्ट पर टन आ गई है। अभी से हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, उससे आपका आंसर आ जाएगा 3600। और फिर इस अमाउंट में से ये दोनों अमाउंट माइनस कर देंगे, यानी बैलेंस करना है सिर्फ, और उससे हमें आउटपुट का अमाउंट मिल जाएगा 1,94,400। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है प्रोसेस अकाउंट। अब उसने कहा है एबनॉर्मल लॉस भी अकाउंट बनाना है, तो ये अकाउंट भी पहले जैसे ही बनेगा, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस वाली एंट्री सिर्फ इसमें आएगी, और क्योंकि ये प्रोसेस अकाउंट से आ गया इसलिए प्रोसेस अकाउंट। तो 20 यूनिट और 3600 आपके रुपए ये आ गए। अब इसे हम अगर बेचते हैं कबाड़ी को, अब इस वेस्टेज को भी अगर हम बेचते हैं कबाड़ी को 20 यूनिट को, तो कबाड़ी तो वही लेगा ना इसको 80 रुपए पर टन पर, तो वो कितना बनता है आपका, मैक्सिमम मिलते हैं आपको 1600 रुपए। तो फिर उसके बावजूद आपको लॉस कितना हो रहा है 2000 यूनिट का, इसको कहेंगे कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो ये आपका लॉस हो जाता है 2000 यूनिट का। तो ये था एक छोटा और एक अच्छा क्वेश्चन, इसके साइज पे मत जाइएगा, इसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, इन दोनों की ट्रीटमेंट आपको अच्छे से आनी चाहिए। और ये जो पॉइंट मैंने आपको समझाया है, ये पॉइंट आपके बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इसलिए ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही आएगा। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह से जुड़े रहिए आगे की वीडियोस के लिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।